हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन इन FR सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पेपर कैन मेक यू और ब्रेक यू। अगर आपका पहला पेपर अच्छा गया तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चलो एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, और अगर पहला पेपर खराब गया बाकी के सब्जेक्ट में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी है तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लगेगा कि यार इस बार का अटेम्प्ट तो गया। तो पहली बात तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी कि FR में आपको एग्जेम्पशन लेके आना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर मैं बताऊँगी कि एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तब आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको हो सके उसको उतना शॉर्ट बनाओ, यानी कि जो भी क्वेश्चन है जहाँ पर भी कोई भी इंडियस का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें क्या क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर क्या है उसको काफ़ी शॉर्ट में उसको हाईलाइट कर दो, कुछ चीज़ें ही हाईलाइट करो, कुछ वर्ड्स ही हाईलाइट करो कि जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाएगी कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू एंड इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट आपको हाईलाइट्स करने हैं, क्योंकि डे बिफोर एग्जाम हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम 100% सिलेबस को कंप्लीट करें, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नई एडजस्टमेंट है। एक ही चीज़ को रिपीट होगा जो पढ़ाई में, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई करिए कि उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए जब भी आप पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है, पेपर हार्ड आएगा ईजी आएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट आपके पास इतना टाइम कहां कि ये सब चीजें आप एनालाइज कर पाओ, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनालाइज कर दी है, और सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डे बिफोर एग्जाम। तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसे जरूर से ज्वाइन करिए। एंड CA फाइनल में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करिए, हर पेपर के लिए डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ वहां पे शेयर करूंगा, क्योंकि हर चीज का वीडियो बना के शेयर करूंगा तो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। बेटा चीज़ें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। अब बात करते हैं कि भैया आप जब एग्जाम को लिख रहे हो तब आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, FR का पेपर ऑलवेज लेंथी रहता है, तो कीप इन माइंड कि आपको फर्स्ट मिनट से ही आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेपर कंप्लीट नहीं होगा। भाई तुम अगर 80 मार्क्स का पेपर लिखोगे और एक्सपेक्ट कर रहे हो 60 मार्क्स तो कैसे हो पाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपको पेपर को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड बढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको एडवाइस दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते, तो आपको हर बार वो स्केल एंड पेंसिल को उठा के वो प्रेजेंटेशन या ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, क्योंकि देखो आप पेंसिल एंड स्केल को उठाओगे एक क्वेश्चन के लिए मैं मान के चलता हूँ 30 सेकंड्स, 20 क्वेश्चंस के लिए हम मान के चलते भैया 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स तो आपने वो ड्राइंग करने में वेस्ट कर दिए। बट अगर आप बोलते हो नहीं भैया हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें तो प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है भाई, तो भी एक एडवाइस है मेरी आपके लिए। सिंपली आपको जब 10 मिनट का बेल बजे ना, उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि भैया लास्ट के 5 मिनट आप स्केल एंड पेंसिल को उठाइए और एक साथ जितने भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी टेबल है या जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है वो लाइन ड्रॉ करने का, वहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। अब उसमें भी वो कॉर्नर वाली मतलब वो साइड वाली जो लाइन्स होती है ना, वो भैया ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होते। आप ऑल इंडिया रैंकर्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखिए, जहाँ पे काफ़ी सारे रैंकर्स हैं जिन्होंने वो लाइंस ड्रॉ नहीं करे हैं फिर भी उनको मार्क्स मिले हैं, तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होते। हाँ, वो इतना तो अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है स्पीड बढ़ाने के लिए। एक और चीज़, सबसे पहली 15 मिनट्स में आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं। ये तो भैया आप फॉलो करते होंगे, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पेपर मेरे को चैप्टर का क्वेश्चन मेरे को आता है बट ये लेंथी है, तो भैया लेंथी को भी थोड़ा सा बाद में ही रखिएगा, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे और जो आता है वो भी बिगाड़ोगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पेपर के टाइम पर कहीं पर भी आप अटको तो प्लीज़ उसको वहां से छोड़ के आगे बढ़ते चलो, क्योंकि आप वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो आपको पता है कि अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाए तो 4 तो मिल जाएंगे, अब वो बाकी के 4 मार्क्स के लिए आप अपनी 15 मिनट वेस्ट कर रहे हो, भाई इतना टाइम नहीं है, 15 मिनट में हमें एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ पे भी अटकते हो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं कि यार ये चैप्टर तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से किया था ये तो मेरे को आना ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, भाई छोड़ दो यार, जिद पे मत अड़ो, हमें पास होना, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें FR के लिए आपको ध्यान में रखनी है, बाकी डिटेल एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा भाई, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए एंड अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब सब्जेक्ट के लिए डिटेल एनालिसिस एंड वीडियोज़ भी आपके लिए मैं शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।